ACH as and when required. It has already been amended more than 100 times. Under the patronage of Indian Constitution, underprivileged sections like scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes and other weaker sections of the society have attained up to some extent some amount of socio-economic and political mobility. But under present circumstances, it seems that legislature and judiciary are working hand in glove to undermine the rights of Bahujans and denying them their views. This is against the very spirit of democracy and the Indian Constitution, which safeguards the rights of every citizen of India. Such an anti-Bahujan attitude is not only condemnable, but also against the nation. A nation where weaker sections are ignored and treated as subhumans can only be dream of becoming world guru, but will never become. Barring few exceptions, the elite section of Indian society has been anti-Bahujan from the beginning and constantly devising new means and strategies to keep the Bahujans ever marginalized and away from the mainstream. The sensitive and proactive people from the Bahujan communities are well aware of the injustices done to their people and are also aware of the state's authority to take any befitting action to better the lives of Bahujans as mandated in the Constitution. This national conference is the platform to address this paralysis-like situation which has gripped the consciousness of the Bahujans who seriously want a way out. इसी के साथ मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और हमारे पहले वक्ताओं को मैं आमंत्रित करता हूं. सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं मिस्टर सुनील सरदार को. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. ये प्रेसिडेंट हैं ट्रुथ सीकर्स इंटरनेशनल और इनका जो टॉपिक रहेगा बेगमपुरा ऑफ गुरु रविदास. अगले वक्ता के रूप में मैं मातृशक्ति को बुलाना चाहूंगा. मिस वंदना रानी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में. जोरदार ताली से स्वागत. इनका टॉपिक रहेगा एनालिसिस ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम. तीसरे वक्ता के तौर पर मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर मनोज कुमार बागलुहार को, जो कि प्रेसिडेंट हैं दिल्ली एनसीआर डिक्की के. और इनका टॉपिक रहेगा नौकरी मांगने वाले नहीं नौकरी देने वाला बनना है. तीसरे हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष और नौजवान मिस्टर सुरेंद्र सिंह को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो कि अध्यक्ष हैं यूथ फॉर सोशल जस्टिस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के. और ये हमें बताएंगे कि बहुजन आंदोलन में युवा कैसे योगदान करें. अगले वक्ता के तौर पे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर अनिल कुमार को, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में और बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसिस सेमिनार्स इन्होंने कंडक्ट किए हैं. बहुत जाना माना नाम है कॉमर्स एसोसिएशन में. इनका टॉपिक रहेगा कल्चरल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बहुजन इन्वेस्टमेंट. हमारे अंतिम वक्ता लेकिन वो किसी भी रूप से कम नहीं है मिस्टर अमित कुमार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा. इनके लेख अभी 13-point रोस्टर में पूरे विश्व में फैल गए हैं. बहुत जोरदार तरीके से लिखते हैं. इनका आज का टॉपिक रहेगा द रोल ऑफ पब्लिक फंडेड हायर एजुकेशन इन ब्रिंगिंग सोशियो पोलियो इकोनॉमिक अवेकनिंग इन बहुजन. तो ये हमारा आज का सम्मानित पहला मंच है. आप देख पा रहे हैं कि एक से एक धुंधर हमारे पास वक्ता है. तो समय जाया न करते हुए मैं पहले ही हमारे वक्ता मिस्टर सुनील सरदार जी को बुलाना चाहूंगा, जो कि प्रेसिडेंट है ट्रुथ सीकर्स इंटरनेशनल के और देश विदेश
के सामाजिक कार्यों में बहुत जाना पहचाना नाम है।